जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। बिल्कुल यहाँ पे न्यू फ्रेम्स भी आपको जिसको देखने को मिल जाएंगे। तो अपन देखते हैं, देखो ये फ्रेम मिलने वाला है C1S2 का, बहुत ही यूनिक नहीं है बट ये थोड़ा सा नॉर्मल होने वाला है। बट आप लोग के लिए एक नया चीज ला रहा हूँ भाई, वेट करो और देखो ये क्या ही लगेगा। देखो आ जाते हैं। वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आई विश आप सब बढ़िया होंगे और आपका गेम प्ले भी बेटर चल रहा होगा। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि होने वाला है C1S2 M3, जिसको मैं बोलना चाहूँगा, उसकी लीक्स आ चुकी हैं। तो बिल्कुल अपन लीक्स के बाद यहाँ पे दिखाते हैं रिवॉर्ड कैसे कैसे मिलने वाला है यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो भाई देखने पे मजा आ जाएगा तुम लोग को। पहले से यहाँ पे तुम्हारा भाई ला के रखा है लीक और देख लो कि कौन से यहाँ पे रिवॉर्ड M3 पे यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो फटाक से चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कौन से रिवॉर्ड हमारे पास होने वाले हैं। तो जो भी नया भाई आया है हमारे वीडियो पे, तो यार वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। फटाफट से लाइक ठोक देना मेरे भाई, बोलना नहीं पड़ना चाहिए, तो मज़ा आ जाएगा। तो फिर यार चलो अपन करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल यहाँ पे स्टार्ट। यहाँ पे चलते हैं रिवॉर्ड्स की तरफ। आ जाते हैं हमारे रिवॉर्ड्स की तरफ। हम लोग को देखो यहाँ पे मिलने वाला है कंपेनियन में गॉडज़िला का यहाँ पे स्किन, जो कि यार जिसको मैं बोलना चाहूँगा ड्रेस बहुत ही ओपी होने वाला है। अब से यहाँ पे एक हेलमेट भी मिलेगा उसको। हेलमेट पे यहाँ पे जिसको डोरेमोन में जैसा हेलीकॉप्टर एक ऊपर पे रहता था हेड हेलीकॉप्टर, वो यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव लग रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे आ जाते कॉन्ग के पे, और कॉन्ग को भाई यहाँ पे स्टूडेंट का थोड़ा सा लुक दिया गया है। गेटअप यहाँ पे स्कूल का होने वाला है। तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं भाई यहाँ पे कंपेनियन, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया पर्सनली। तो अपन चलते हैं यहाँ पे लैब की तरफ और यहाँ पे देखते हैं कंपेनियन कैसे दिख रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे गॉडज़िला पे आ जाते हैं ये गॉडज़िला पे आते हैं, और गॉडज़िला पे आने के बाद यहाँ पे यार क्या ही देखो। अब ड्रेस को देखो आप प्रॉपर वे से, पूरे यहाँ पे रोटेट करके दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। यहाँ पे गॉडज़िला का ड्रेस पहना देते हैं बिल्कुल। ये तो फ्री बिल्कुल नहीं मिलने वाला है आप लोग को, तो ये चीज़ के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे मेरे भाई। C1S2 का यहाँ पे डोमिनेटर का अवतार मिलने वाला है आपको, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। बिल्कुल यहाँ पे न्यू फ्रेम्स भी आपको जिसको देखने को मिल जाएंगे। तो अपन देखते हैं, देखो ये फ्रेम मिलने वाला है C1S2 का, बहुत ही यूनिक नहीं है बट ये थोड़ा सा नॉर्मल होने वाला है। बट आप लोग के लिए एक नया चीज ला रहा हूँ भाई, वेट करो और देखो ये क्या ही लगेगा। देखो आ जाते हैं फटाक से। अब देखो C1S2 कॉनकरर का फ्रेम होने वाला है मेरे भाई, जो कि अब तक का सबसे बेहतरीन कॉनकरर का फ्रेम है जिसको बोलना चाहूंगा। क्या ही कॉनकरर का फ्रेम है ब्रो, मतलब पहले जो पबजी में यहाँ पे कॉनकरर का फ्रेम देता था उससे तो उसे यूनिक बनाया गया है। हेलमेट दिया गया है गोल्डन का पूरा फ्रेम करके, यहाँ पे नीचे पे C1S2 बिल्कुल लिखा गया है। पहले का जो फ्रेम था C1S1 का बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल सा था, नीचे बस C1S1 लिखा था, तो उतना मतलब यूनिक नहीं था यार। लेकिन अब तक का अगर सबसे बढ़िया कॉनकरर फ्रेम बोलूंगा तो वो अब आने वाला है मेरे भाई। तो यार मजा आने वाला है अब कॉनकरर करने पे, और ये फ्रेम लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि बहुत ही सेक्सी सा लग रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग आरपी कार्ड पे। तो ये आरपी कार्ड का जो हम लोग का दिखता था C3+ इलाइट प्लस का जो कार्ड दिखने वाला है, 4th का दिखने वाला है, ये ऐसे इस तरह का यहाँ पे दिखने वाला है, जो कि थोड़ा सा नॉर्मल सा है, जिसको मैं बोलना चाहूंगा कुछ ज्यादा यूनिक नहीं है। कुछ नए इमोट्स भी देखने को मिलेंगे 2+, यहाँ पे कुछ इमोट्स भी मिलने वाली है, तो उसको बाद में कवर करते हैं। आ जाते हैं अपन यहाँ पे, देखो ये C1S2 का यहाँ पे डोमिनेटर का देखो अवतार देख सकते हो, C1S2 का फ्रेम देख सकते हो, ऊपर के हेड गियर्स देख सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एक सेट मिलने वाला है C1S2 का, यहाँ पे एक सेट मिलने वाला है, और मिलेगा यहाँ पे ग्रोज़ा का स्किन। ग्रोज़ा बहुत सेक्सी लसी लग रही है, C1S2 की ग्रोज़ा की स्किन बहुत ही प्यारी यहाँ पे लग रही है, और ये बहुत ही शानदार होने वाला है। पैराशूट पे आ जाते हैं, पैराशूट बिल्कुल यहाँ पे मिलने वाला है यहाँ पे, तो बहुत ही प्यारा सा एक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अपन आ जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो पे। तो यहाँ पे देखो इंट्रो इस तरह का यहाँ पे देखने को मिलने वाला है C1S2 M3 का इमोट। चलो तो यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे इंट्रो पे, फटाक से यहाँ पे इंट्रो पूरा प्ले होते हैं, दे देते हैं। देख लो भाई यहाँ पे थीम थोड़ा सा किचन बेस्ड होने वाला है, किचन बेस का पूरा थीम है, पूरा का पूरा यहाँ पे देख लो सॉसेजेस, और जो प्लेयर पीछे खड़ा भी रहता है वो इंटरफेस जो है ना यार वो किचन का होने वाला है। तो यहाँ पे चलो पूरा प्ले होने देते हैं, इंजॉय करो थोड़ा सा, यहाँ पे पूरा यहाँ पे प्ले होगा। M16 को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब इसमें कवर किया गया है, M16 ही आई थिंक इसमें मास्टरी गन होने वाली लाइट वाली, तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि यही बस देने वाले हैं कि इसके बाद जब 50 RP और जब कवर होगी 50 to 100, तो उसमें कुछ और नया मिलेगा।
तो ये भाई देखो M3 का यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे शेफ्स स्पेशल थीम का नाम रखने वाले, रिवॉर्ड्स में आ जाते हैं, रिवॉर्ड्स में यहाँ पे स्टार्टिंग में मिलने वाले लोन वुल्फ यहाँ पे QBZ, तो यार ये थोड़ा सा यूनिक नहीं है बट ठीक है, ओके ओके ठीक है, QBZ का स्किन्स ऑलरेडी मिला हुआ है तो यहाँ पे यार सेट मिलने वाला है लोन वुल्फ सेट। अभी फर्स्ट RP में लोन वुल्फ सेट जो कि यहाँ पे थोड़ा सा किचन बेस्ड, देखो यहाँ पे इंटरफेस देखो, यही इंटरफेस की मैं बात करने वाला था कि किचन बेस्ड इंटरफेस यहाँ पे थोड़ा सा होने वाला है। थोड़ा सा रिवॉर्ड्स को यहाँ पे आगे करते हैं, लोन वुल्फ कवर जिस भी बोलूंगा ये मिलने वाला है आपको, RP कार्ड्स ये सब मिलेंगे, ये बैकपैक लेवल इस टाइप का बैकपैक मिलने वाला है आपको, वेजी कार्टून बैकपैक जिसको बोलना चाहेंगे, थोड़ा सा वेज वगैरह है कार्टून कार्टून के उसमें बना हुआ है। यहाँ पे एक पैराशूट इस तरह का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बिना RP का ये पैराशूट होने वाला है, पैराशूट यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक है, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है पैराशूट देखने पे। अब यहाँ पे गेम पे देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे एक अवतार भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल, ट्विस्ट डांस का यहाँ पे इमोट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जो डिमोट की बात करने वाला था बिल्कुल, यहाँ पे भाई टिकटॉक चलने वाला है तो अलग लेवल का बहुत ही भसड़ यहाँ पे मचेगा और यहाँ पे टिकटॉक इमोट प्ले किया जाएगा ट्विस्ट डांस, तो यार यहाँ पे बहुत ही प्यारा एक इमोट जो कि मैं बोलना चाहूँगा देखने को मिल रहा है। इमोट्स तो अब इतने ज़्यादा हो गए हैं यार प्लेयर्स के पास कि यहाँ पे सबको यार प्ले कर ही नहीं पाता है कोई प्लेयर। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, प्लेन मिलने वाला है, फ्रूट स्प्लैश फिनिश प्लेन का नाम होने वाला है, और क्या ही यहाँ पे प्लेन का स्किन, बहुत ही ठीक है, अच्छा है, यूनिक है, बट फ्रूट के किचन बेस और फ्रूट बेस में यहाँ पे दिया गया है पूरे थीम को और पूरा कवर किया गया है। चलते हैं आगे थोड़ा सा RP की तरफ, बिल्कुल यहाँ पे लेपर्ड शूट यहाँ पे आउटफिट मिलने वाला है, जो कि थोड़ा सा लेपर्ड के यहाँ पे स्किन का यहाँ पे टेक्सचर जिसमें बोलना चाहूँगा मिलेगा अपने को, तो ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बट यार थोड़ा सा एक लेजिट टाइप का एक ड्रेस मिल जाता तो वो ज़्यादा बेटर होता मेरे हिसाब से। यहाँ पे नेड की एक स्किन मिलने वाली है, डीप फ्राइड वाला यहाँ पे इमोट मिलने वाला है, ये इमोट इस हिसाब से प्ले होगा, बहुत ही प्यारा एक इमोट था डीप फ्राइड। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे पे चलते हैं, यहाँ पे नीचे डीप फ्राइड इमोट को यहाँ पे एक बार प्ले करते हैं, फिर से देख लो भाई, और ये देखो यहाँ पे ऐसा होने वाला है। यहाँ पे आगे चलते हैं थोड़ा सा RP की ओर, यहाँ पे नेड का जो मैं बोलना चाहता था डेडली कैम्बेज ग्रेनेड नेम है इसका, बिल्कुल कैम्बेज के शेप में है, और बिल्कुल यहाँ पे नेड इस पर बना दिया गया है, और पूरा फ्रूट यार लेके चल रहे हैं ये बंदे, फ्रूट पूरा लेके चले जा रहे हैं, M16 वेजी पार्सल, M16 M1 A6 A4 जिसको मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे मिलेगा, बहुत ही प्यारा सा स्किन है यार, मतलब दिखने में सेक्सी लग रहा है, यूनिक लग रहा है। आप बताना मेरे को कमेंट करके कि ये M16 का स्किन अच्छा लग रहा है कि नहीं, मेरे को तो अब तक के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा यूनिक दिख रहा है, हाईलाइटेड है, अलग से दिख रहा है। अपन आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे मिलने वाला 50 में डीप फ्राइड कवर, और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सूट भी मिलने वाला है डीप फ्राइड कवर सूट, तो यार यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक शूट है, बट यार मेरे को कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा खल रहा है कि 50 RP के हिसाब से अगर आप एक प्यारा सा शूट देते तो वो ज़्यादा बेटर होता, बट ये उस हिसाब से RP लेने के हिसाब से बेटर नहीं है, तो उतना ज़्यादा तो मज़ा नहीं आ रहा है, तो यार कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक चीज़ खलेगी, क्या पता एक आध और अच्छा 50-100 जो होता है उस वाले में अगर आपको एक अच्छा शूट देखने मिल जाए, तो यार अभी तक का 1-50 का रिवॉर्ड यही होने वाला है, तो यार कौन सा रिवॉर्ड बिल्कुल अच्छा लगा और कौन सा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कमेंट करके मेरे को फटाफट से बता दो मेरे भाइयों, और चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक ले टाटा टेक केयर बाय बाय, थैंक यू सो मच स्ट्रीम पे यहाँ पे आने के लिए और भाई यहाँ पे वीडियो पे आके सपोर्ट दिखाने के लिए, थैंक यू सो मच, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय बाय।